क्या हुआ बॉस? इसे देखो ए? लेकिन ये बहुत क्यूट है। पर ये तुम्हारे पेट पे क्यों है? पता नहीं पर ये मुझे बहुत पसंद है। पर ये मेरी जगह है जो उसकी नहीं। तुम जानते हो कॉस्मो, मैं इस छोटू को गोद लेने वाला हूँ। ये तो पागलपन है। कभी सुना एक मेंढक ने कीड़े को गोद लिया? ए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम्हारी राय की मुझे जरूरत नहीं है, मेंढकों के भी अधिकार होते हैं। क्या सच में? तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ मेरे बेबी के लिए खाना लेकर आओ। ठीक है। ओ मेरी छोटी सी बेबी। स्वीट ड्रीम्स मेरे छोटे कीड़े के बच्चे। काफी देर हो गई है। गुड नाइट। रोना बंद करो प्लीज, रोना बंद करो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ बिस्तर पे सो जाओ। तुम फिर से वापस आ गए, तुम कल खेल लेना। आंखें बंद करो अपनी। चलो बच गया मैं। नहीं कॉस्मो, कॉस्मो आपके लिए क्या कर सकता हूँ बॉस? सुनो, क्या तुम मेरे लिए बच्चे की देखभाल कर सकते हो? मैं? हाँ तुम, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। अब मैं थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ। मुझे बच्चों को संभालना जरा भी नहीं पसंद। तुम बच्चे मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। तुम किस पे हंस रहे हो? ये लगा मुझे जो यहाँ पे नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, समझे तुम? रोना बंद करो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। नहीं, ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। क्या करूं? फूल तुम्हें पसंद है, इससे रोना बंद हो जाएगा। ये लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। फूल जरा भी स्वादिष्ट नहीं होते। ये लो, अब तुम इस चीज से खेलो, ये तुम्हें पसंद आएगा। ट्राई कर लो। सब चीजें मत खाओ जो मैं तुम्हें देता हूँ। ओ ये बच्चा, मैं क्या करूँ इसका? लगता है तुम्हें उड़ना बहुत पसंद है, पर तुम अपने आप नहीं उड़ सकते। और एक बार ट्राई करते हैं। बंद करो ये रोना। बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हें यही छोड़ रहा हूँ। इस तरह तुम मुझे वापस परेशान नहीं कर पाओगे। ये क्या है? ओ देखो, ये तो बच्चा है। तुम्हें कौन ऐसे छोड़ सकता है? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाता हूँ। ये हुई ना बात बार्टलबी। हे छोटू, तुम्हें उड़ना पसंद है? हे बार्टलबी। ओ हाँ, देखो ये फ्लटरबॉय है। बार्टलबी, ये क्यूट छोटू कौन है तुम्हारे हाथों में? ओ मुझे नहीं पता, मुझे नीचे तालाब के किनारे मिला, कितना प्यारा है, और मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, ये फ्लटरबॉय है। ओ देखो इसे, ये सुंदर है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। ओ मैं रहूँगा, मैं इसे अपने छत्ते में वापस ले जा रहा हूँ। इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ। हे छोटू, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। पंखों के उड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है? ये बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या तुम मेरी बात समझ
हे, मैं तुम्हारे लिए कुछ कोमल से पत्ते लाया हूँ, इस पे आ जाओ। ओह नो, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? छोटू, तुम्हें पता है ना, तुम बिना पंखों के नहीं उड़ सकते हो, समझे? ऐसा लगता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। ओ, मुझे पता है। इधर सुनो, अपने आप को तैयार करने के लिए अच्छा खाना खाओ और खूब एक्सरसाइज करो, फिर जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, ठीक है? तुम बहुत अच्छा रेंगते हो। हाँ, पर मैं ये सब कैसे करूँगा? छोटू सुनो, मैं इस पत्तों से तुम्हारे लिए पंख बनाऊंगा, ठीक है? मुझे लगता है आप मुझे किसी और चीज का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, पंखुड़ियों को अब इसे ट्राई करो छोटू। वो रोज बड़ा ही होता जा रहा है, पर अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि उड़ेगा कैसे। जो, प्लीज जो, मुझसे बात करो। हफ्ते भर से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ और अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तुमने मेरे छोटे से बच्चे को खेत में अकेला छोड़ दिया, पता नहीं वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। जो, दरअसल मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। उस दिन मैंने देखा कि बार्टल भी उसको अपने घर पे लेके जा रहा था। ओ कॉस्मो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता। बार्टल भी कॉस्मो, जो क्या चल रहा है? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। वो बच्चा क्या, वो तुम्हारा है? हाँ, ये सच बात है बार्टलबी। जो ने उस बच्चे को पहले गोद लिया था और फिर उसने मुझे संभालने के लिए कहा, पर मैं उसे जंगल में छोड़ के चला गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जरूर वापस कर दूंगा, पर मुझे डर है कि वो कहीं अपने खोल के अंदर न चला जाए। वहाँ देखो। मुझे पता था तुम इसे अपने पास रखने की कोशिश करोगे। ये बकवास कहानी मुझे मत सुनाओ, तुम बहुत बुरे हो। मेरा विश्वास करो, ये कल से शुरू हुआ था और फिर वो गायब हो गया और खुद को इसमें घुमाना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास नहीं है। वो देखो। अयो। एक तितली। सुनो तितली, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? हे बड़े भाई जो, बड़े भाई बादल भी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? ये मैं हूँ। हाँ, मैं आपका कैटरपिलर हूँ जो पहले उड़ नहीं सकता था। मैं बड़ा हो गया हूँ, देखो अब मैं कितनी अच्छी तरह उड़ सकता हूँ। एक तितली, तुम बहुत बुरे हो कॉस्मो। और कितना शर्मिंदा करोगे। ये तो एक मजाक था। जानते हो, आप मेरे पास पंख है, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। मुझे घुमाने ले चलोगे? ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। रुको रुको रुको, मुझे भी घूमने जाना है। मेरा इंतजार करना तुम लोग। हाय, क्या आप जानते हो जिस कैटरपिलर को मैंने गोद लिया था वो क्या बन गया? और उसने अपने आप को जिसमें बंद कर लिया उसे ककून कहते हैं, और खुद को एक सुंदर तितली में बदल लिया। अब बच्चों, अगले एपिसोड में हम एक पौधे के बारे में जानेंगे। ओ हाँ, तुम लोग किताबों में और इंटरनेट पर पौधे के बारे में काफी मनोरंजक चीजें जान सकते हो। ये बहुत ही मजेदार है ना बॉयज एंड गर्ल्स।